एक वक्त था जब हर एक ब्रांड के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन हुआ करते थे। होंडा, टोयोटा और निसान सब अपने V6 इंजन्स के साथ इंडिया में अवेलेबल थे और छोटी से छोटी गाड़ी के अंदर भी 1500 cc का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाया करता था। यहाँ तक कि जो टाटा की MPV सुमो हुआ करती थी उसके अंदर भी 3000 cc का ट्रक का इंजन देखने को मिला करता था। लेकिन अब सख्त होते एमिशन नॉर्म्स की वजह से इंडिया में इंटरनल कम्बशन इंजन खत्म से होते जा रहे हैं और जो बचे हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि उनमें अब पहले जैसी पावर फील नहीं होती है। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर अभी भी इंजन्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि एक रैंकिंग वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके कि इंडिया में कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो IC इंजन्स को लेकर 2024 में भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपने IC इंजन का पूरी तरीके से पैकअप करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने हर एक ब्रांड के इंजन को रैंक करने के लिए 4 कैटेगरीज के अंदर स्कोरिंग सिस्टम बनाया है। यानी अगर इन चारों कैटेगरीज के अंदर ये ब्रांड्स कलेक्टिवली अच्छा स्कोर करते हैं तो इनकी जो रैंकिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो रैंकिंग लिस्ट को चालू करने से पहले हम जान लेते हैं कि किस किस कैटेगरी के अंदर इन ब्रांड्स को स्कोर्स मिलने वाले हैं। तो जो पहली कैटेगरी है वो है रेशियो ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ इंजन टू नंबर ऑफ कार मॉडल्स की। यानी कि एक ब्रांड के पास जितने भी इंजन अवेलेबल हैं और जितने भी कार मॉडल्स अवेलेबल हैं उनको हम आपस में डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारे को इंजन टू मॉडल रेशियो मिल जाएगा। और इस रेशियो के अंदर अगर किसी ब्रांड के पास इंजन ज्यादा हैं और कार मॉडल्स कम हैं तो उसका जो स्कोर है वो अच्छा होगा और अगर इंजन कम है और कार मॉडल्स ज्यादा हैं तो उसका खराब हो जाएगा। ये स्कोर ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि इंजन डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है और बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है और अगर कोई ब्रांड अभी भी हैविली इन्वेस्ट कर रहा है इंजन के अंदर तो मेरा मानना यह है कि उनको इस बात की अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। स्कोरिंग के लिए जो दूसरी कैटेगरी है वो है इंजन बाय फ्यूल टाइप की। ये वाला ना बहुत सिंपल है, जिस ब्रांड के पास जितने फ्यूल टाइप पे चलने वाले इंजन्स होंगे उसको उसके लिए एक एक पॉइंट मिलते जाएंगे। यानी कि अगर किसी ब्रांड के पास सिर्फ पेट्रोल इंजन्स ही हैं तो उसको सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा, अगर पेट्रोल डीजल दोनों हैं तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे और पेट्रोल डीजल CNG और हाइब्रिड अगर चारों के चारों हैं तो उसको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स को नहीं रखा है। स्कोरिंग के लिए जो थर्ड कैटेगरी है वो है इंजन रिलायबिलिटी की। इंजन की रिलायबिलिटी के लिए जो स्कोर है वो 0 से 10 तक जा सकता है और रिलायबिलिटी के लिए जो स्कोरिंग है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, पब्लिक के परसेप्शन से और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की जो रेटिंग होती है उनको ध्यान में रखते हुए दी है। और स्कोरिंग के लिए जो फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है वो है परफॉर्मेंस पेट्रोल इंजन की। यानी कि जिस ब्रांड के पास जितने परफॉर्मेंस पेट्रोल इंजन होंगे उसको उतने ही पॉइंट्स उसके लिए मिल जाएंगे, एक है तो एक, दो है तो दो। अच्छा, रैंकिंग शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिया में मिलने वाली गाड़ियों की ही बात कर रहे हैं और ये ब्रांड्स इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी। साथ ही साथ मैंने इस लिस्ट के अंदर किसी भी लग्जरी ब्रांड को ऐड नहीं कराया, यानी कि ऑडी, BMW टाइप के ब्रांड्स इसमें नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ इस लिस्ट के अंदर आपको निसान, किया और स्कोडा भी देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि जो उनके पार्टनर या फिर पेरेंट ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी सेम इंजन के साथ इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो चलिए हम अपने 11वें और लास्ट प्लेस पर आने वाले ब्रांड की बात करते हैं, यानी कि रेनॉ की। रेनो की कार्स इंडिया में पहले बहुत सारे इंजन के साथ अवेलेबल थी लेकिन ये ब्रांड इंडियन ऑटो मार्केट के बदलते सिनेरियोस के साथ बदल नहीं पाया और इस ब्रांड ने सेल्स में एक बड़ा स्लंप देखा और तब से ये लोग इंजन को लेकर बहुत ही ज्यादा सेफ गेम खेल रहे हैं। इतना सेफ कि ये मेरी लिस्ट में सबसे लास्ट पहुंच गए हैं और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रेनो के पास 3 कार मॉडल्स है और इनके पास जो इंजन है वो भी 3 है लेकिन ये तीनों के तीनों ही इंजन 1 लीटर के 3 सिलेंडर वाले इंजन है जिसमें भी जो एक इंजन है वो बस एक क्विड वाले इंजन का रीट्यून्ड वर्जन ही है। इसीलिए हमने इसको इंजन के मामले में 2.5 नंबर्स दिए हैं क्योंकि जो ग्राउंड अप डेवलप्ड इंजन है उनको तो एक एक नंबर मिल गया है लेकिन जो इसका ट्यून्ड इंजन है उसको हमने सिर्फ 0.5 नंबर्स ही दिए हैं, जिसकी वजह से रेनो का जो इंजन टू कार मॉडल्स वाला रेशियो है वो 0.833 आता है। इसके अलावा ब्रांड के पास सिर्फ पेट्रोल इंजन ही अवेलेबल हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भी इसको सिर्फ एक ही स्कोर मिलता है। इंजन रिलायबिलिटी के मामले में भी मैंने इस ब्रांड को 10 में से 6.5 नंबर ही दिए हैं क्योंकि जो रेनो के इंजन्स हैं ना इनको लेकर मार्केट के अंदर कोई खास अच्छे सेंटीमेंट्स हैं नहीं। और पर्सनली मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो रेनो के इंजन्स हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर्ड हैं जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर इनकी रिलायबिलिटी को लेकर ना बहुत ज़्यादा श्योर रहा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको 6.5 नंबर मिले हैं रिलायबिलिटी के मामले में। तो इन सभी स्कोर्स को जब हम ऐड करते हैं तो रेनो का जो फाइनल स्कोर निकल के आता है वो है 8.33 जिसकी वजह से ये ब्रांड आता है 11th पोजीशन पे। 10th नंबर पर आता है जीप। अरे जीप, ये तो वही है ना जो अपने अच्छे खासे पावरफुल इंजन्स के लिए जानी जाती है अमेरिकन मार्केट के अंदर। वेल, अमेरिकन मार्केट का तो पता नहीं लेकिन जैसी नॉन एग्जिस्टेंट प्रेजेंस इसकी इंडियन मार्केट के अंदर है ना वैसी ही नॉन एग्जिस्टेंट प्रेजेंस इसकी इंजन्स की भी है। यहाँ पर इंडियन मार्केट में जीप के पास कुछ खास ऑफर करने के लिए है नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जीप के पास सिर्फ डीजल इंजन ही हैं ऑफर करने के लिए जिसकी वजह से इंजन फ्यूल टाइप वाली कैटेगरी के अंदर इसको सिर्फ 1 नंबर मिला है।
अगर इंजन टू मॉडल रेशियो की बात करें तो यहाँ पर भी जीप ने सिर्फ 0.75 का ही रेशियो एक्वायर करा है, क्योंकि इनके पास मॉडल तो दो हैं लेकिन इंजन सिर्फ एक ही है जो कि इन्होंने फिएट से सोर्स किया है। और यही इंजन हमें एक और ट्यून वर्जन के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो इंजन का स्कोर है वो 1.5 है और इसी की वजह से जीप का जो इंजन टू मॉडल वाला स्कोर है वो 0.75 बना है। इसके अलावा अगर हम इंजन रिलायबिलिटी की बात करें तो जीप को इंटरनेशनली रिलायबिलिटी के मामले में काफी खराब रेटिंग्स मिलती है, लेकिन अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक बात करूं तो जो इनका फिएट सोर्स्ड इंजन अवेलेबल है इंडिया के अंदर वो अच्छी खासी रिलायबिलिटी के साथ आता है, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर रिलायबिलिटी के मामले में इसको 7 स्कोर दिए हैं। और अगर हम इन सभी स्कोर्स को ऐड अप कर दें तो जो जीप का टोटल स्कोर बनता है वो है 8.75, जिसकी वजह से इसको 10th रैंक मिली है हमारी लिस्ट के अंदर। हमारी लिस्ट में 9th नंबर पर आता है टाटा मोटर्स, है ना सरप्राइजिंग, इंडिया का तीसरा मोस्ट सेलिंग ब्रांड और मैंने इसे इतना पीछे रख दिया है। वेल, टाटा को इतनी खराब रैंकिंग मिलने के पीछे 3 बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से इनका जो स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया और इनकी रैंकिंग भी खराब हो गई। जिसमें जो पहला सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो इनके पास कार मॉडल्स हैं ना वो तो 7 हैं, लेकिन इनके पास इन गाड़ियों को चलाने के लिए सिर्फ 4 ही इंजन्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो इनका इंजन टू मॉडल रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। टाटा की जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो इनकी इंजन्स की रिलायबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। देखो, फिट एंड फिनिश और अलाइनमेंट वगैरह तो एक अलग चीज हो गई, वो तो टाटा के ओनर शिकायत करते ही हैं उन चीजों के बारे में, लेकिन जो इंजन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं ना वो भी टाटा के ओनर्स को काफी ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, और ये मेजरली आते हैं इनके फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की वजह से। टाटा अपनी सफारी के अंदर और हैरियर के अंदर वही इंजन देता है जो कि जीप और एमजी अपनी, यानी कि वो फिएट सोर्स मल्टीजेट इंजन। फिर भी उन कार्स को ओनर्स को इस इंजन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो सफारी और हैरियर के ओनर्स हैं उन्हें कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं इस इंजन की वजह से। और इन सभी बातों की वजह से मैंने टाटा को रिलायबिलिटी के मामले में सिर्फ 5.5 स्कोर्स ही दिए हैं, जो कि इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा लोएस्ट है। टाटा को रिलायबिलिटी पर बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है। तीसरा रीजन जिसकी वजह से टाटा के जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा गिर गए हैं वो है इनके पास एक भी परफॉर्मेंस इंजन का ना होना। टाटा 50-50 वेरियंट्स निकालते हैं एक ही गाड़ी के, और कुछ वेरियंट्स का नाम तो वो रेसर भी रख देते हैं, लेकिन उनके पास एक भी ऐसा इंजन नहीं है जो कि परफॉर्मेंस इंजन कहलाने लायक हो। हाँ, हो सकता है कि आप लोग ये बोले कि जो नेक्सॉन का 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है उसकी जो पावर परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक दिखाई देती है ऑन पेपर, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैंने वो गाड़ी चलाई है कई बार और मुझे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कोई खास नहीं लगती है। हाँ, पावर ठीक है उसके अंदर, लेकिन उसको परफॉर्मेंस इंजन नहीं बोल सकते आप। और अगर हम बात करें नई आई ऑल्ट्रोस रेसर की, तो वो तो मैंने पर्सनली नहीं चलाई है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना यह है कि ये कोई हॉट हैच नहीं है, ये एक ल्यूक वार्म हैच है, इसीलिए परफॉर्मेंस इंजन के अंदर टाटा को मिलते हैं 0 स्कोर। पर हाँ, इंजन फ्यूल टाइप के मामले में टाटा ने डिसेंट स्कोर करा है, क्योंकि इनके पास डीजल, पेट्रोल और सीएनजी तीनों ही इंजन अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर इनको 3 नंबर मिल गए हैं और इसीलिए जो टोटल टाटा का स्कोर बनता है वो है 9.07, जिसकी वजह से ये आती है 9th रैंक पर। सिट्रोइन एक नया ब्रांड है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये 8वें स्थान पर आ पाएगा। सिट्रोइन की अच्छी बात यह है कि इनके पास 3 मॉडल्स हैं और 3 ही इंजिन्स हैं, जिसकी वजह से इनका इंजन टू मॉडल रेशियो है वो बन जाता है 1, जो कि एक डिसेंट नंबर है। साथ ही साथ इनके पास पेट्रोल और डीजल इंजिन्स दोनों ही अवेलेबल हैं, चाहे किसी भी शेप एंड फॉर्म में अवेलेबल हो, लेकिन अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी इनको पॉइंट्स मिलते हैं। और इनका जो 110 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि C3 में आता है वो काफी ज्यादा पावरफुल फील होता है उसके अंदर। मैंने इनकी C3 बिना टर्बो वाली चलाई है और उसके अंदर भी ठीक ठाक पुल मिल जाता है गाड़ी में, तो उस हिसाब से और जो क्रिटिक्स कहते हैं उस हिसाब से देखा है तो डेफिनेटली जो इनका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन है वो एक परफॉर्मेंस इंजन कहलाने लायक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर भी 1 नंबर मिल जाते हैं। हाँ, बस एक जगह है जो है इंजन रिलायबिलिटी, वहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एक बहुत ज़्यादा नया ब्रांड है और ऊपर से जो फ्रेंच हैं वो अपने रिलायबल इंजन के लिए जाने भी नहीं जाते, अक्सर उनसे शिकायत ही रहती है इंटरनेशनली लोगों को, इसीलिए यहाँ पर मैंने रिलायबिलिटी के मामले में इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा अच्छी रैंकिंग नहीं दी है। तो अब ये सब स्कोर्स को अगर हम एडअप करते हैं तो सिट्रोइन का स्कोर निकल के आता है ए परफेक्ट 10, और जिसकी वजह से ये ब्रांड आता है हमारे 8th रैंक पे। हमारी लिस्ट पे 7th नंबर पर आती है मारुति सुजुकी। थोड़ा चॉकिंग है ना, इंडिया में जो ब्रांड सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेच रहा है उसको मैंने इतना पीछे रख दिया है। देखो, अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की तो मारुति का कोई भी तोड़ नहीं है। पहली बात तो इनकी गाड़ी ख़राब नहीं होती है, और दूसरी बात अगर ख़राब हो भी जाए तो इनको फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और कॉस्टिंग भी बहुत कम आती है इनको फिक्स करने में, इसीलिए मैंने इस ब्रांड को रिलायबिलिटी के मामले में एक सॉलिड नंबर दिया है, यानी कि 8। इसके अलावा इस ब्रांड के पास पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन अवेलेबल है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर मिल गए। और इसके अलावा इनके पास एक टर्बो जीडीआई इंजन भी अवेलेबल है जो कि फ्रॉन्क्स और बलिनो आरएस में मिलता है, जो कि इन गाड़ियों के कम वजन होने की वजह से एक अच्छा पुल देता है और स्पोर्टी फील होता है, और इसीलिए सुजुकी को परफॉर्मेंस इंजन के लिए भी 1 नंबर मिलते हैं। अब ये सारे नंबर तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर मारुति ने मार खाई है ना वो है इंजन टू मॉडल वाले रेशियो के अंदर। इस सेगमेंट के अंदर सुजुकी को इस पूरी लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा खराब स्कोर मिला है, यानी कि 0.43 नंबर्स का।
और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इनके पास सिर्फ 7 इंजिन्स हैं लेकिन 16 कार मॉडल्स हैं। और अगर आप इन इंजिन्स को ध्यान से देखोगे ना तो ये जो 7 इंजिन्स अवेलेबल है ना मारुति सुजुकी की लाइनअप के अंदर, ये भी इसलिए हैं क्योंकि अभी भी सुजुकी कुछ पिछली जनरेशन के इंजिन्स को इस्तेमाल कर रही है जो कि सिंगल ओवरहेड कैम वाले इंजिन्स हैं। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि धीरे धीरे ये भी इंजिन्स गायब हो जाएंगे और सुजुकी के पास ले देके 4 ही इंजिन्स अवेलेबल रहेंगे, जिसकी वजह से इनका स्कोर आगे भविष्य में और भी ज़्यादा खराब होगा। देखो, मैं ये मानता हूँ कि सुजुकी को बहुत सारे इंजिन्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो उनकी कार्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी की सभी एक ही जैसी कैटेगरीज के अंदर आती हैं, सारी की सारी हल्की हैं और छोटी हैं। पर फिर भी एक एंथुजियास्ट के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ सुजुकी से। हाँ, फ्रॉन्क्स में इन्होंने एक टर्बोचार्ज इंजन दे दिया है GDI वाला और बलिनो के अंदर भी आता है वो, लेकिन वो भी यार सिर्फ 99 हॉर्स पावर बनाता है। और इन गाड़ियों के अंदर जो पुल है वो अच्छा इसलिए फील होता है क्योंकि इनका जो वजन है वो कम है, बस इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर स्कोर अच्छा दे दिया है, वरना ये भी शायद नहीं मिल पाता इनको। खैर, जो भी हो, सुजुकी का टोटल स्कोर रहा है 11.43, जिसकी वजह से ये ब्रांड आया है 7वें नंबर पर। 6th नंबर पर आती है MG। काफ़ी सरप्राइजिंग है ना MG को इतना आगे देखना। इवन आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई वॉज कैलकुलेटिंग द स्कोर्स, पर एक्चुअली MG ये स्पॉट डिजर्व करती है। देखो, ये ब्रांड पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन्स बनाता है तो यहाँ पर इनको अच्छे स्कोर मिल गए। इंजन रिलायबिलिटी की बात करें तो जब ये ब्रांड इंडिया में आया था तब इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, लेकिन अब MG कार्स को लेकर कोई भी खास प्रॉब्लम सुनने को नहीं मिलती है और इसीलिए रिलायबिलिटी के मामले में मैंने इस ब्रांड को 7 का स्कोर दिया है। अब ये दोनों स्कोर तो थोड़े से प्रेडिक्टेबल थे, पर जो मेरे लिए खुद के लिए प्रेडिक्टेबल नहीं था वो था इंजन टू मॉडल रेशियो। इस ब्रांड ने इंजन टू मॉडल रेशियो के मामले में सभी ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। इनके पास टोटल 4 आइस कार्स हैं और इन कार्स को चलाने के लिए इनके पास 6 इंजन अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से जो इसका इंजन टू मॉडल रेशियो बनता है MG का वो बनता है 1.5 नंबर्स का। और ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ भी इंजन उठा के डाल रहे हो अपनी गाड़ियों के अंदर, इनके सारे के सारे इंजन ही ठीक ठाक पावर प्रोड्यूस करते हैं। और इनके पास ट्विन टर्बो डीजल इंजन भी अवेलेबल है जो इंडिया के अंदर किसी भी मास मार्केट गाड़ी के अंदर देखने को हमें नहीं मिलता है। और अगर हम पेट्रोल परफॉर्मेंस इंजन की बात करें तो इनके पास एक 1.3 लीटर का 3 सिलेंडर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन अवेलेबल है जो कि एस्टर में मिलता है। यह इंजन 138 BHP प्रोड्यूस करता है जो कि एक अच्छा नंबर है। हाँ, हेक्टर के अंदर भी 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलता है जो कि 141 BHP प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस गाड़ी का वजन कुछ ज़्यादा ही है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ना फील नहीं होती इस गाड़ी के अंदर उतनी अच्छी। ठीक ठाक पावर देता है लेकिन परफॉर्मेंस इंजन नहीं बोल सकते इसको, इसीलिए इस ब्रांड को परफॉर्मेंस इंजन के मामले में 1 पॉइंट मिलता है। और ऐसे ही जो MG का टोटल स्कोर है वो होता है 11.5 और ये ब्रांड आता है हमारी लिस्ट पे 6th रैंक पर। 5th रैंक हासिल करिए है जवां दिलों की धड़कन वैग ने, यानी कि फॉक्सवैगन ने। फॉक्सवैगन की 3 गाड़ियां अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर और 3 ही उनके पास इंजन अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से उनका मॉडल टू इंजन जो रेशियो है वो बनता है 1 का। लेकिन इनके पास जितने भी इंजन है वो सारे के सारे पेट्रोल इंजन ही है, यानी कि पावर ट्रेन और है ही नहीं कोई, तो यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही नंबर मिलता है इनको। और इनकी जो इंजन रिलायबिलिटी है ना उसको भी मैंने सिर्फ 6.5 नंबर ही दिए हैं जो कि कुछ खास नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इतना आगे कैसे आ गए? वेल, अपने पावरफुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन की वजह से। VW के पास 3 इंजन अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर और तीनों के तीनों ही TSI टर्बो इंजन हैं, यानी कि डायरेक्ट इंजेक्शन वाले इंजन हैं। इनका जो 1 लीटर का इंजन है वो 114 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 1.5 वाला 148 BHP, और इनका जो 2 लीटर का इंजन टिगुआन में आता है वो 187 BHP प्रोड्यूस करता है। और ये इंजन बहुत ही ट्यूनेबल भी माने जाते हैं, एक सिंपल रीमैप की मदद से ही ये इंजन बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने लग जाते हैं अपनी स्टॉक फॉर्म के मुकाबले। यही रीज़न है कि मैंने इनको पेट्रोल परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी के अंदर 3 नंबर दिए हैं, लेकिन यही सेम परफॉर्मेंस इंजन वाला रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इनकी रिलायबिलिटी के अंदर स्कोर गिराए हैं, क्योंकि तीनों के तीनों इंजन ही GDI इंजन है, यानी कि वो TSI जो वो खुद बोलते हैं। और ये जो TSI या फिर GDI इंजन होते हैं ना, इनके अंदर कार्बन बिल्डअप होने के इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से आगे चल के इंजन की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। अब यही सारे रीजन है जिसकी वजह से VW ने 11.5 का एक सॉलिड स्कोर हासिल किया है और हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर आई है। 4th नंबर पर आई है होंडा। होंडा के पास 3 कार्स हैं और 3 ही पावर ट्रेन्स हैं, जिसकी वजह से इसका इंजन टू मॉडल का जो रेशियो है वो बनता है 1 का। साथ ही साथ पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों ही पावर ट्रेन्स होने की वजह से इंजन फ्यूल टाइप वाली कैटेगरी में भी इस ब्रांड को 2 नंबर मिलते हैं। और हम सभी जानते हैं कि होंडा के जो इंजन हैं वो कितने ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो यही ध्यान में रखते हुए मैंने इस ब्रांड को रिलायबिलिटी के अंदर भी 8 नंबर दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। पर अगर मैं नंबर ऑफ परफॉर्मेंस इंजन की बात करूं तो इनके पास सिर्फ 1 ही इंजन है, यानी कि 1.5 लीटर का VTEC, वो भी सिटी के अंदर ही ज़्यादा पावरफुल फील होता है, एलिवेट के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पर इस ब्रांड को सिर्फ 1 ही नंबर मिला है। आई फर्मली बिलीव होंडा को 1.5 लीटर का टर्बो VTEC इंजन लेकर आना चाहिए। मैं पिछले कुछ टाइम से होंडा सिटी ड्राइव कर रहा हूँ और जो इसका VTEC इंजन है, मैं सच बताना चाहूँगा, मुझे कई सारे टर्बो इंजन से भी ज़्यादा पसंद है। और अगर VTEC के अंदर टर्बो भी लेकर आ गई ना होंडा, तो सच बता रहा हूँ वो पूरा का पूरा गेम बदल के रख देगा। लेकिन जब तक होंडा टर्बो इंजन नहीं लेकर आ रहे हैं तब तक इनका जो स्कोर है वो बनता है 12 का, और होंडा आती है 4th रैंक पर।
तो अब हम आ खड़े हुए हैं टॉप 3 रैंक पर, यानी कि अब जो 3 ब्रांड्स हैं वो इंडिया के अंदर सबसे अच्छे इंजन्स प्रोवाइड करा रहे हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ऐसी इंजन्स बनाने में। और इस टॉप 3 रैंकिंग के अंदर जो 3rd नंबर पर ब्रांड आया है वो है महिंद्रा। पता है महिंद्रा रैंकिंग के मामले में इतना ऊपर कैसे आ पाई है? वेल, क्योंकि ये ब्रांड इंजन्स की R&D पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। महिंद्रा के पास इंडिया में टोटल 9 इंटरनल कम्बशन इंजन वाले कार मॉडल्स हैं और इनके पास वॉपिंग 14 इंजन्स हैं इन गाड़ियों को पावर करने के लिए, जिसमें कि 6 तो उन्होंने ग्राउंड अप डेवलप करे हैं और 8 इंजन्स ऐसे हैं जो इन्हीं इंजन्स पर बेस्ड हैं और ट्यून करे गए हैं अलग अलग तरीके से, जिसकी वजह से महिंद्रा का जो इंजन टू मॉडल रेशियो है वो बनता है 1.11 का। एक तरफ हमारे देश की कंपनी टाटा है जो इंजन्स बनाने से ही डरती है और दूसरी तरफ महिंद्रा है जो एक एक गाड़ी के लिए अलग अलग तरीके से ट्यून करती है एक एक इंजन को। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में ऐसे बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं फिलहाल के टाइम में। फॉर एग्जांपल, महिंद्रा के पास जो 2.2 CRDI इंजन है वो बेस में 130 BHP प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसी इंजन को महिंद्रा ने SUV के लिए 2 ट्यून्स में बना रखा है और स्कॉर्पियो N के लिए अलग से ट्यून करा है और बुलेरो नियो के लिए अलग से, सभी के लिए अलग अलग करा हुआ है उन्होंने। वैसे इनका 1.5 लीटर का एक और डीजल इंजन आता है जिसको थार के लिए और मराजो के लिए अलग अलग तरीके से ट्यून करा है अलग अलग पावर आउटपुट निकालने के लिए, और बुलेरो नियो के अंदर भी जो पावर आउटपुट है वो अलग अलग देखने को मिलता है सेम इंजन से। पर ऐसा नहीं है कि महिंद्रा सिर्फ डीजल इंजन्स में ही कमाल कर रही है। पेट्रोल परफॉर्मेंस इंजन्स की बात भी करें तो महिंद्रा के पास 2-2 टर्बो पेट्रोल GDI इंजन्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि जो छोटा इंजन है वो बनाता है 130 BHP और जो 2 लीटर वाला इंजन है वो बनाता है 200 हॉर्स पावर। इतनी हॉर्स पावर कोई भी नहीं बना रहा है टर्बो पेट्रोल इंजन में, और ये महिंद्रा वाले 15-15 लाख में निकाल देते हैं ऐसी गाड़ियां जो बेस मॉडल आ रहे हैं इन गाड़ियों के। आप सोचो पावर टू प्राइस रेशियो कितना तगड़ा है इनका, है ना। और ये तो छोड़ो, जो इनका 3XO का बेस मॉडल है उसमें भी 110 हॉर्स पावर मिल जाती है। हाँ, उसके अंदर GDI इंजन नहीं आता है, लेकिन MPI-5 टर्बो इंजन उसके अंदर भी दे रखा है महिंद्रा वालों ने। लेकिन मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि वो कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, इसीलिए मैंने इस कैटेगरी के अंदर महिंद्रा को 2 नंबर दिए हैं, यानी कि पेट्रोल परफॉर्मेंस इंजन के मामले में महिंद्रा को 2 नंबर्स मिले हैं। अच्छा, इंजन रिलायबिलिटी के मामले में भी महिंद्रा ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, इसीलिए मैंने महिंद्रा को इस मामले में भी 7 नंबर दिए हैं। हाँ, इनके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स अक्सर आपको दिक्कत देते हुए दिखाई दे जाएंगे, जैसे स्क्रीन्स वगैरह रुक जाती हैं, लेकिन वो इंजन रिलायबिलिटी का पार्ट नहीं है, इसीलिए इंजन रिलायबिलिटी उससे हैम्पर नहीं होती है। तो इसीलिए जो महिंद्रा का टोटल स्कोर है वो बनता है 12.11 का, जिसकी वजह से ये ब्रांड आता है 3rd रैंक पर। रैंकिंग लिस्ट में 2 पर आती है टोयोटा। मारुति वाले मॉडल्स को हटा दें तो टोयोटा के पास इंडिया में लगभग 7 मॉडल्स हैं और उनके पास 7 ही इंजन्स हैं, जिसकी वजह से इंजन टू मॉडल रेशियो बनता है 1। इंजन फ्यूल टाइप की बात करें तो टोयोटा के पास अवेलेबल है पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड पावर ट्रेन्स, जिसकी वजह से यहाँ पर भी इनको 3 नंबर मिल जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कमाल का नंबर टोयोटा को मिलता है वो मिलता है इंजन रिलायबिलिटी में। अब ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं, लेकिन टोयोटा को दुनिया में रिलायबिलिटी के मामले में सबसे ऊपर माना जाता है और इंटरनेशनल रिलायबिलिटी चार्ट्स के अंदर भी ये ब्रांड टॉप करता है। तो इसीलिए मैंने इस ब्रांड को 10 में से 9 नंबर दिए हैं रिलायबिलिटी के लिए। हाँ, 10 में से 10 तो कोई भी नहीं ला सकता, कोई नीट का पेपर थोड़ी ना है। अब ये सब तो अच्छी बातें हैं टोयोटा के बारे में, लेकिन इनके पास एक भी परफॉर्मेंस पेट्रोल इंजन नहीं है, जिसकी वजह से इनको 0 नंबर मिले हैं इस मामले में, और इसीलिए ये 1 पर ना होकर 2 पर आए हैं विद 13 points। तो अब हम बात कर लेते हैं उस ब्रांड के बारे में जो इंडिया के अंदर इंटरनल कम्बशन इंजन के मामले में सबसे ज्यादा टॉप पर है, और वो है हुंडई। हुंडई ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स पर एक्सेल कर चुकी है, जैसे कि इनके पास 9 कार्स अवेलेबल हैं और 7 इंजन्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इनका जो इंजन टू मॉडल रेशियो है वो बनता है 0.778, जो कि एक डिसेंट इनफ नंबर है। इंजन फ्यूल टाइप की बात करें तो इनके पास पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर भी 3 नंबर मिल गए इनको। इसके अलावा इनके पास 2 GDI इंजन्स हैं, एक 1 लीटर का और एक 1.5 लीटर का, और दोनों ही बहुत ज़्यादा तेज फील होते हैं इनकी गाड़ियों में, तो इसीलिए पेट्रोल परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी के अंदर भी इनको 2 नंबर मिलते हैं। और रिलायबिलिटी के मामले में भी हुंडई वर्ल्ड वाइड चार्ट्स में आजकल टॉप कर रही है। एंड इवन अगर हम इंडिया की बात भी करें तो यहाँ पर बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिल रहा है कि हुंडई के इंजन किसी को भी परेशान कर रहे हो। ओनर्स हुंडई के इंजन से बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इनके अंदर, इसीलिए मैंने हुंडई को रिलायबिलिटी में भी 7.5 नंबर दिए हैं। और इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हुंडई का जो टोटल स्कोर है वो बनता है 13.278 का, जिसकी वजह से हुंडई इंडिया के अंदर इंजन्स के मामले में टॉप पर आती है। और ये है हमारी फाइनल पूरी की पूरी रैंकिंग लिस्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरी इस लिस्ट से अग्री करते हैं तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए, और हाँ, अपने पर्सनल फेवरेट IC इंजन बनाने वाले ब्रांड के बारे में भी कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो चलिए मैं चलता हूँ, लेकिन आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने ऑटो एंथुजियास्ट दोस्तों के बीच में, और उनके रिएक्शन जरूर लेना। थैंक यू।